गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। और आज मैं आप सबको कुछ नया बना के दिखाऊंगी, कुछ शायद आता हो किसी को भी, नहीं आता हो किसी को तो मुझे कमेंट करके बताना किस किस को आता है ये वाली रेसिपी, किस किस को आती है और नई है, मेरे लिए भी नई है भाई, आप सबके लिए भी नई होगी। और ज़्यादा मतलब तामझाम नहीं है, सिंपल सी है बिल्कुल। तो चलिए फिर आप सबको दिखा देती हूँ मैं कैसी रेसिपी। हाँ पापा की रख दो, तो आप सबको दिखाती हूँ मैं कैसी रेसिपी है, ठीक है? और अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। तो मैंने लिए हैं सबसे पहले कावेरी चना, इससे कावेरी चना बोलते हैं हमारे यहाँ पे, काले वाले चना। तो कच्चे हैं बिल्कुल एकदम, ये देखिए उबले हुए नहीं हैं, कच्चे हैं। यही नई वाली चीज़ है, नई रेसिपी है ये। तो इसे मैं देखना चाट बनाऊंगी इसकी, कच्चे के ही वैसे फुला के उबाले जाते हैं तो, लेकिन मैं ऐसे नहीं। एक कढ़ाई मैंने रख दी है गर्म करने के लिए, उसमें डाल रखा है रिफाइंड ऑयल। तो ये गर्म हो गया है तेल एकदम, तो बहुत तेज़ गर्म होना तभी डालें एकदम, तो जल्दी हो जाता है, मेरा थोड़ा नॉर्मल हो पाया था। तो अब एकदम जल्दी जल्दी फूटेंगे, देखिए कितने अच्छी तरीके से चने फूट रहे हैं ये। तो ये देखिए मेरे अच्छे फ्राई हो गए एकदम, बहुत अच्छी तरीके से फूट गए थे। तो मैंने ये निकाल लिए, उसी तरह मैं सारे फ्राई कर लूँगी अच्छे से, इसमें डालने नहीं है, ऐसे चलनी में ही करके रखना है। तो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे ये। और यहाँ बनाते हैं फिर चाट और हरी मिर्च और एक छोटा सा प्याज है वो मैंने काट के रखा हुआ है, इसमें डाल दें अपने हिसाब से नमक, जितना आप खाते हो वैसा नमक डाला है मैंने इसमें। और एक डालूँगी, थोड़ा सा डालूँगी मैं इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, और इसमें डाल दूँगी प्याज और हरी मिर्च कटी हुई। फिर इसमें डालूँगी मैं चाट मसाला थोड़ा सा, बहुत ना के बराबर, और मिक्स करके। और बहुत अच्छी बनी थी सच में, बहुत टेस्टी बनी थी, एक बार ट्राई करके देखना, और बहुत ही अच्छी बनी थी। उबले हुए चना भूल जाओगे अगर ये वाले चने खाए तो। और मैंने नींबू का रस भी डाला एक चम्मच, बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी। तो मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी ये। तो यहाँ बन गए, यहाँ पर मैं किचन में अपना खाना बना रही हूँ मैं। और मैंने बनाई है दाल, मिक्स दाल बनाई है, इसमें मैंने पाँच तरीके की दाल मिक्स ली है। तो दाल बन गई है, इधर मैं तड़का लगा रही हूँ, और चावल नहीं बने मेरे भी। और मैंने इसमें यहाँ पे लहसुन और प्याज काटा है, तो एक वो मतलब दो या तीन, हाँ तीन लहसुन है और एक हरी मिर्च है, बस एक ही डाली है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भी ज़्यादा चटपटी बच्चे खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर छोटी सी कढ़ाई में मैं लगा रही हूँ तड़का यहाँ पर। तो मैंने हींग लिया है और जीरा लिया है यहाँ पर मैंने। तो और मिक्स दाल में मैं ना तो प्याज डालती हूँ ना ही टमाटर डालती हूँ, खाली हरी मिर्च और लहसुन का तड़का लगाती हूँ बस। और बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल सादा सिंपल है ये। तो ज़्यादा इसमें मैंने तामझाम नहीं किया, बिल्कुल सादा सिंपल सी दाल है। और इसी कुकर में बना लूँगी मैं इसमें चावल, इसी कुकर में, क्योंकि और दूसरा बर्तन नहीं लिया मैंने, इसी में चावल बना लूँगी, क्योंकि कुकर में जल्दी बन जाते हैं, फिर दाल के साथ भी खाना है चावल। तो मैं इसी में ही बना लेती हूँ, ऐसे ही धोकर नहीं, ऐसे ही बना लेती हूँ, तो सही लगता है भाई मुझे। तो मैं तो कर लेती हूँ ऐसा ही, अपना छोटे मोटे काम ऐसे ही कर लेती हूँ, दो कर नहीं करती हूँ मैं ऐसे। और यहाँ पर मैं दलिया भून के रखूँगी। तो ये दलिया बाहर मार्केट का नहीं है, घर का ही दलिया है ये। तो भून के रख दूँगी तो इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, ख़राब नहीं होएगा ये। और दलिया भूनने का तो भाई बहुत ही कठिन काम लगता है मुझे, बहुत ही ज़्यादा। और इतनी गर्मी पड़ रही है सही में, हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो करके ही रख देते, करना तो है ही है, तो कर ही देते हैं फिर। तो मैंने कहा चलो कर ही देते हैं। और यहाँ पर दलिया भून लेती हूँ, और जो मैंने अभी पन्नी में जो खोला था वो मार्केट का दलिया है, वो पिंकी दीदी के पास जाएगा, क्योंकि मुझसे नहीं बनता वो मार्केट वाला दलिया, बिल्कुल बेकार बनता है, मुझसे नहीं बनता वो, मैं घर वाला ही मुझसे ठीक बनता है अच्छे तरीके से। और मार्केट वाला बिल्कुल घुलता ही नहीं है, ऐसा खड़ा खड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता बिल्कुल वो। लेकिन पिंकी दीदी बहुत अच्छा बनाती है, तो मैं उन्हें दे दूँगी। और हमारे यहाँ पर अरहर की दाल डाल के, मूंग की दाल डाल के दलिया बनता है, नमक का छोंक कर, ऐसा नहीं बनता कि उबाल के रख दो, ऐसा नहीं है, खाली छोंक कर। और मूंग की दाल डाल सकते हो वो डाल लो, या अरहर की डाल लो, या आलू डाल के, मटर डाल के वो भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है छोंक कर दलिया। अगर आप कहोगे तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी इसकी रेसिपी, और अच्छा बनता है बहुत। जिसको दलिया नहीं पसंद होगा वो भी खाना सीख जाता है। तो मैं डिब्बा देख रही हूँ, क्योंकि आपको याद होगा मैंने इसमें अचार चराने के लिए रखा था,
तो मैंने कहा कहीं महक तो नहीं आ रही इसमें, लेकिन नहीं आ रही थी, ठीक लग रहा था वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। आ जाओ आ जाओ, तो बताना कैसे बने वो एक बार, ठीक है। और काम मेरा हो गया है सारा, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने अपना। वैसे तो एक बार खा लिया, दोबारा खा रही हूँ मैं, और टाइम अभी 2:15 हो रहे हैं, तो बता देती हूँ फिर क्या क्या लाई हूँ मैं खाने के लिए। और ये रोटी है मैंने सेकी है तवे पे, रिफाइंड में अच्छी लगती है मुझे बहुत ही ज़्यादा ये। वैसे बासी रोटी का बहुत अच्छा बनता है ये, बहुत ही अच्छी, लेकिन बासी रोटी थी नहीं, ये ताज़ी रोटी है तो इसी का बना लिया है। और ये पिंकी दीदी ने आलू का रसा भेजा है, मट्ठे के आलू या आलू का रसा, और काशी फल है, और ये मेरा पराठा सादा, और ये रोटी, और वो दाल है जो मैंने बनाई है जो घर पे, बस वही चावल नहीं रखे हैं मैंने, तो भूख लगी थी तो मैंने चलो खा लो। और मुझे और नकुल को बहुत पसंद है, और केशव को, हम तीनों को ये करारी रोटी बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और अब आ गया शाम को भाई, इस टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी, तो घर का काम चालू हो गया है शाम का, और बहुत गंदा हो गया था बहुत ही ज़्यादा, तो बेडशीट सही कर रही हूँ मैं। और ये वाली चादर मेरी ऐसी है, उल्टी करके भी बिछा सकते हैं, सीधी करके ठीक लगती है दोनों तरीके से। तो यहाँ पर हो गया है बेड साफ़ हो गया है मेरा, और झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी मैं यहाँ पर अब। और बर्तन मेरे बहुत सारे रखे हैं भाई बाहर, बहुत ही सारे, सच में सब लोग बैठ गए थे, तो ऐसा ही होता है फिर काम को देर हो ही जाती है अगर साथ में सब लोग बैठ जाते हैं तो। अगर कोई नहीं आता तो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ अपना, और वैसे तो देर होना ही होना है फिर तो। और मैंने बेड के नीचे अंदर तक साफ़ करके लाई हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, और बेड के नीचे मेरा कुछ भी नहीं रखा होता, सिर्फ एक कुर्सी रखती हूँ मैं छोटी वाली बच्चों की बस, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो इधर लग गई है मेरी झाड़ू, और साफ़ हो गया है पूरा मेरा यहाँ पर। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं तेल अपने बालों में, बहुत दिनों बाद तेल लगा रही हूँ अपने बालों में, क्योंकि नहाऊंगी मैं, नहा कर आऊँगी और तेल लगा कर ही नहाऊंगी, क्योंकि बाल सूखे थे तो गीले भी हो जाएंगे, फिर तेल नहीं लग पाएगा, फिर गीले बालों में तेल नहीं अच्छा लगता मुझे बिल्कुल भी, फिर माँ की आने लगती है, बदबू भी आने लगती है फिर वो। तो तेल लगाकर और नहाकर फिर आराम से बैठेंगे, गर्मी भी बहुत हो रही है आज, तो चलिए फिर। मैं तो भाई नहा ली हूँ, नहाकर बैठी हूँ अपने कूलर के आगे, और अच्छा लग रहा है अपने नहाकर। तो मैंने अपनी आवाज़ इसलिए दबा रखी क्योंकि मैं कूलर के सामने बैठी थी, तो फिर आवाज़ साफ़ नहीं आती इसलिए, और मैं इनसे बात करती जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो फिर एंड कर देते हैं वीडियो का, और बहुत लंबी हो जाती है वीडियो तो। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और मुझे बताना जो मैंने नई रेसिपी बताई वो कैसी लगी है कमेंट करके, अगर अच्छी लगे एक बार ट्राई करके देखना, अगर अच्छी लगे तो कमेंट करना उसके बाद ही। तो चलिए फिर वीडियो का एंड कर देते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और टाइम अभी हो रहा है अभी 7:30, और एडवांस में बोल देती हूँ गुड नाइट।